राम्या, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़. मैं दीपक सर से बात करना चाहती हूँ. हाँ जी, बात करिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से यू लुकिंग रियली हैंडसम टुडे. आई वाज इनोसेंट चाइल्ड. I also want to congratulate you. अभी हाल ही में सीरीज में आपने 23 विकेट्स ली. तो 23 नहीं 22 लिए इन्होंने. अरे पर एक विकेट मेरा भी डाउन हो गया. ये तो बस कुछ नहीं, मुझे यही पूछना था कि सर शाम को क्या कर रहे हैं. शाम को सर फ्लाइट पकड़ रहे हैं. फ्लाइट है मेरी 7:55 की. ये आइडिया दिया आपने उनको कि मेरे पास टाइम है. आपको कौन कौन सी टीम ज्यादा फनी है? आई थिंक वेस्ट इंडीज टीम के लोग सारे कैरेक्टर वेस्ट इंडीज वाले. ब्रावो हमारी टीम है. सेम. ब्रावो भी शरारती है. उसकी 3 गर्लफ्रेंड है. वाओ. तीनों से बच्चे हैं उनके, पर शादी किसी से नहीं हुई है. ओह अच्छा. हाँ ब्रावो. और उसकी हर साल नई गर्लफ्रेंड आती है आईपीएल. भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी फिल्म आता है. अच्छा. तो हमारे प्लेयर्स जज कर रहे होते हैं. मैं तो शायद अभी 2 साल से जुड़ा हूँ चेन्नई के साथ में से. हाँ. रहना भी आए, बाकी प्लेयर्स हैं जो माय भाई, तो वो जज करते अपने लोग. दीपक आपकी टीम के कैप्टन धोनी है, पूरी दुनिया जानती है उनको, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं ग्राउंड पे. गुस्सा करते हैं और सबसे ज्यादा तो मेरे पे किया पिछले 2 साल में, जो मेरे को डांट पड़ी है ना मुझे वाले. और वो गुस्सा सिर्फ ग्राउंड के अंदर करते हैं. अच्छा. मतलब आप ग्राउंड में हो वो आपको डांटेंगे भी, पर जैसे ही उन्होंने रोप के बाहर पैर रखा वो नॉर्मल. माय भाई एक बात बताओ ना क्या कि मैंने भैया सबका गुस्सा मेरे पे को निकालते हो. बोलते प्यार भी तो करता तेरे को. फिर मैंने कहा उसके बाद तो क्या बोलता है. मैंने कहा चलो ठीक है. सूर्या ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है फिल्म हेरा फेरी के डायलॉग कुछ बोले बाबूराव वाला, वो थोड़ा बताओ ना. अर्चना जी को करके बोल रही थी मैं उनको दिखाना लाइव. अरे इतना जोर से कह को चिल्लाते है. मजा आया. तो अक्षय कुमार बोलता है स्टाइल है बाबू भैया स्टाइल. तो ये जोर से झापड़ लग, ए बाबूराव का स्टाइल है. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. ये सब भाभी से अच्छी पड़ती है. अच्छा. तुम अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं क्योंकि मैं उनके ज्यादा रहता हूँ तो मैं उनके बैठता हूँ तो मुझे पतियों की बुराई सुनने को मिलती है. तो ये देख के तो और नहीं मन करता होगा शादी करने का. बीच में ना बोल. मैं हस्बैंड लोगों के साथ रहता हूँ तो वो पत्नियों के बताते हैं अबे ये शादी करके ऐसा है वैसा. तो जो मेरा थोड़ा मोटिवेशन आता है मेरे में कि भाई मैं गर्लफ्रेंड बनाऊँ या शादी करूँ, वो वहीं खत्म हो जाता है. नहीं, झूठ बोल रहा.